नमस्ते, मैं हूं गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज के इस फ्लो कंट्रोल स्विच के टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। तो बेसिकली जो फ्लो कंट्रोल स्विच होता है वो चिलर या कंडेंसर में जो पानी का फ्लो है उस पानी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वो है फ्लो कंट्रोल स्विच। तो इस फ्लो कंट्रोल स्विच को समझने से पहले बाकी कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे एक कंप्रेसर है और कंप्रेसर को चलाने के लिए यहाँ पे मोटर है और एक बेल्ट से एक दूसरे के साथ में जुड़े हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेल्ट करके, ओके। देन कंप्रेसर के बाद में यहाँ पे कंडेंसर है, शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर है और इस ट्यूब में से कूलिंग टावर का पानी सर्कुलेट होता है और शेल साइड में रेफ्रिजरेंट है। ये जो येलो कलर की लाइन है वो है लिक्विड लाइन, फिर ये एक्सपांशन डिवाइस और बाद में यहाँ पे ये चीलर है। चीलर के ट्यूब में से रेफ्रिजरेंट पास हो रहा है और शेल साइड में से वाटर फ्लो हो रहा है। ये चीलर का इनलेट है, ये चीलर का आउटलेट है, ओके। तो अब हम जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एक फ्लो कंट्रोल स्विच बताया है और ये फ्लो कंट्रोल स्विच जो है बेसिकली चीलर का पानी का फ्लो जो है उसको कंट्रोल करता है। तो कैसे कंट्रोल करता है उसको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें एक पैडल होता है, ये जो है पैडल ए चीलर की आउटलेट पाइप में यहाँ पे इंसर्ट हुआ है और जब पानी का फ्लो इसके ऊपर आता है तो ए इस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे ए क्या होता है मुड़ जाता है। जब ए पैडल यहाँ पे आता है तो ए जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स है एक कॉन्टैक्ट्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ऐसे इस डायरेक्शन में आते हैं, ओके। और यहाँ पे इस पैडल के ऊपर एक स्प्रिंग टेंशन दे के रखा है, ये जो ग्रीन कलर की वो स्प्रिंग है और यहाँ पे एक स्क्रू है जिससे कि हम प्रेशर को सेट कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे पाइप में जो फ्लो हो रहा है पानी उसका प्रेशर होना चाहिए 20 PSIG। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे स्प्रिंग में भी 20 PSIG इतना प्रेशर सेट कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, स्प्रिंग में 20 PSIG इतना प्रेशर सेट है। अगर पाइप में का प्रेशर 20 PSIG या उससे कम है, मान लो कि 15 PSIG है, ओके, इन दैट केस क्या हो जाएगा, ये पानी का जो फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर कम होने के कारण ये जो कॉन्टैक्ट्स है कॉन्टैक्ट जुड़ेंगे नहीं, ओके। तो पानी को आगे जाते वक्त में उसका जो फ्लो है वो फ्लो ज़्यादा होना चाहिए और उस फ्लो ने पर्टिकुलर प्रेशर यहाँ पे बिल्डअप करना चाहिए। जब वो प्रेशर 20 या 20 PSIG से ज़्यादा होगा, मान लो कि 22 PSIG इतना क्या हो गया पानी का फ्लो का प्रेशर हो गया, ओके, यहाँ पे वेलोसिटी प्रेशर जो है फ्लो प्रेशर जो है वो कितना हो गया 22 PSIG। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, ये जो पैडल है पैडल यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या होगा मुड़ जाएगा, ओके। और पैडल जब इस डायरेक्शन में आएगा तो ये जो कॉन्टैक्ट्स है इस डायरेक्शन में आएंगे। इस डायरेक्शन में क्यों आएंगे, क्योंकि ये जो स्प्रिंग है इस स्प्रिंग में हमने कितना प्रेशर सेट किया है, दैट इज 20, ओके। तो 20 PSIG अगर प्रेशर सेट किया है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 20 PSIG सेट कर दिया और जब प्रेशर पानी का यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, फ्लो में प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, इन दैट केस क्या हो जाएगा, ये जो कॉन्टैक्ट है कॉन्टैक्ट आपस में यहाँ पे क्लोज हो जाएगा और ये जो पावर सप्लाई है ये पावर सप्लाई मोटर को चली जाएगी। ये मोटर का कंट्रोल सर्किट होता है और कंट्रोल सर्किट ऑन होने से क्या हो जाता है, मोटर का पावर सर्किट ऑन हो जाता है और मोटर का सर्किट कंप्लीट होकर मोटर स्टार्ट हो जाती है। तो मोटर को चालू होने के लिए पानी का जो ये सफिशियंट जो फ्लो है यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए। जब सफिशियंट फ्लो क्रिएट होगा इन दैट केस ओनली ये जो कॉन्टैक्ट्स है क्लोज हो जाएंगे और क्लोज होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोटर स्टार्ट हो गई, ओके। अब मोटर स्टार्ट होने के बाद में समझो कुछ गड़बड़ हो गया, जैसे कि यहाँ पे पंप लगा होता है और पंप में पंप का फ्लो ठीक से नहीं हो रहा है और इन दैट केस क्या हो गया, पानी का प्रेशर जो है थोड़ा सा कम हो गया। पानी का प्रेशर जो था हमारा 20 सेट है PSIG, लेकिन यहाँ पे पानी का प्रेशर कम होकर कितना हो गया 15 PSIG इतना हो गया। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, पानी का प्रेशर अगर कम हो जाता है तो पानी का प्रेशर कम होने की वजह से पानी जो है इसको अभी पुशअप नहीं कर सकता, ओके। पानी को जितना पुशअप करना चाहिए उतना पुशअप नहीं कर सकता। तो इन दैट केस यहाँ पे 15 PSIG का प्रेशर यहाँ पे पानी क्या कर रहे हैं, इस पैडल के ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर है दैट इज 20 PSIG। स्प्रिंग में जो हमने सेट किया हुआ है 20 PSIG प्रेशर है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो स्प्रिंग है उसको इस डायरेक्शन में पुशअप कर देगी, पैडल को पुशअप कर देगी, जिससे कि कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, ये कॉन्टैक्ट हट जाएगा और कॉन्टैक्ट के हटने से क्या हो जाएगा, ये जो पावर सप्लाई यहाँ पे हो रहा था वो पावर सप्लाई यहाँ पे कट ऑफ हो जाएगा और पावर सप्लाई के कट ऑफ होने के बाद में ये जो करंट है आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीके से वाटर फ्लो जो है, वाटर फ्लो अगर कम हो गया तो वाटर फ्लो कम होने के कारण ये पैडल के ऊपर का प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम होने की वजह से पैडल जो है फिर से अपने ओरिजिनल पोजिशन में, मतलब इस डायरेक्शन में आ जाता है, क्योंकि स्प्रिंग जो इसको इस डायरेक्शन में पुशअप कर रही है, तो पैडल इस उल्टे डायरेक्शन में यहाँ पे आ जाता है और जिसकी वजह से कॉन्टैक्ट यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, चिलर में क्यों लगाते हैं, यहाँ इसके बारे में कुछ दिया है कि चिलर में जब पानी का फ्लो कम हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि 20 PSIG इतना होना चाहिए लेकिन पानी का फ्लो अगर 15 PSIG से हो रहा है तो पानी की क्वांटिटी जो चिलर में जाएगी वो कम जाएगी। तो पानी की क्वांटिटी अगर चिलर में कम जाएगी तो चिलर का लोड कम हो जाएगा, चिलर का लोड कम हो जाएगा तो जो पानी चिलर में जा रहा है वो फ्रीजअप हो सकता है और फ्रीजअप होने से पानी के जमने से चीलर जो है फट सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो पानी है वो जब ठंडा हो जाता है या फ्रीज हो जाता है तो उस वक्त में उसका जो एक्सपांशन हो जाता है वो ना फैल जाता है,
ओके और इसके एक्सपांशन के वजह से चीलर के ऊपर एक प्रेशर आ जाता है, और प्रेशर आने से चीलर का शेल जो है फट सकता है। तो पानी का एक सर्टन प्रेशर यहाँ पे मेंटेन होना चाहिए, सर्टन फ्लो यहाँ पे मेंटेन होना चाहिए। अगर ये फ्लो अगर कम हो गया तो चीलर में लोड कम होने से चीलर में आइस जम सकती है, फ्रॉस्ट फॉर्मेशन हो सकता है, और इसके लिए फ्लो कंट्रोल स्विच जो है वो यहाँ पर लगाए जाते हैं, जो एक पर्टिकुलर प्रेशर बिल्डअप होने के बाद में ही कंप्रेसर मोटर को स्टार्ट करता है। अगर जब प्लांट चलता है और उस वक्त में वाटर फ्लो अगर कम हो गया तो इस केस में ये क्या कर देगा, मोटर का जो पावर सप्लाई है उसको कट ऑफ कर देगा, जिससे कि कंप्रेसर स्टॉप हो जाएगा और रेफ्रिजरेशन साइकिल भी स्टॉप हो जाएगी। सिमिलरली कंडेंसर में भी फ्लो स्विच लगे होते हैं, कंडेंसर आउटलेट में यहाँ पे जो है पानी का फ्लो जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए फ्लो स्विच लगे होते हैं। कंडेंसर में भी उतना ही पानी का फ्लो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो रेफ्रिजरेंट यहाँ से आता है ना, उस कंप्रेसर से जो रेफ्रिजरेंट पास होता है उस रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के लिए कूलिंग टॉवर का पानी जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये पानी का फ्लो अगर कम हो गया तो कंडेंसर प्रॉपरली ठंडा नहीं होता, जिससे कि कंडेंसर का प्रेशर जो है प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे कि कंप्रेसर डैमेज हो सकते हैं। और इसके लिए इसका जो वाटर फ्लो है उसको मॉनिटर करना या उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। तो कंडेंसर के आउटलेट में भी यहाँ पे क्या होता है, फ्लो कंट्रोल स्विच लगाए जाते हैं। जब भी वाटर फ्लो कम हो जाता है तो इन दैट केस कंडेंसर का प्रेशर बढ़ना नहीं चाहिए और कंप्रेसर के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आना चाहिए। इसके लिए जो फ्लो कंट्रोल स्विच है इसी तरीके से काम करते हैं, और कंप्रेसर की जो मोटर है उस मोटर को कट ऑफ करने का काम करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे और एक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।